दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में अगर किसी ने सबसे ज्यादा निराश किया तो वो है विराट कोहली। हालांकि रोहित के अलावा सभी बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन हम बात सिर्फ विराट की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विराट का ये रेयर फेलियर है। काफी कम बार ऐसा होता है कि एक पूरी सीरीज में विराट का बल्ला खामोश रहे। इस सीरीज में विराट का एवरेज मात्र 19.33 का रहा, जो श्रीलंका के खिलाफ खेले गए उनके 7 ओडीआई सीरीज का सबसे लोएस्ट एवरेज है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तीनों मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा में खेला गया, जहां विराट ने 4 लगातार शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन इस सीरीज में विराट का स्कोर रहा 24, 14 और 20, और तीनों मैच में विराट स्पिन के खिलाफ ही आउट हुए हैं, वो भी तीनों बार अलग अलग बॉलर्स। पहले मैच में हसरंगा के खिलाफ, दूसरे में वेंडरसे के खिलाफ और तीसरे में वेलालगे, और तीनों ही बार सेम तरीके से LBW आउट होना हैरान करने वाली बात तो है। तो आइए जानते हैं क्या है रीजन विराट के इस रेयर फेलियर के पीछे। मैं हूं आकाश और स्वागत है आपका क्रिकेट किला में। ओडीआई सीरीज शुरू होने से 2 दिन पहले ही विराट श्रीलंका पहुंचे थे, जिसके चलते उनको प्रैक्टिस के लिए इनफ टाइम नहीं मिल पाया। विराट कोहली के प्रैक्टिस का अपना एक अलग ही पैटर्न है, जिसे इस बार वो फॉलो नहीं कर पाए। पहले विराट इस सीरीज से ब्रेक लेने वाले थे, लेकिन सडनली गौतम गंभीर के कहने पर विराट इस सीरीज के लिए तैयार हो गए। देखा जाए तो विराट की ये पहली ओडीआई सीरीज थी 2024 की। इनफैक्ट 2024 में विराट ने कोई लॉन्ग ओवर फॉर्मेट खेला ही नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी विराट ने अपना नाम वापस ले लिया था। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है विराट के इस फेलियर के पीछे। हालांकि विराट का स्पिन बॉलिंग के सामने स्ट्रगल करना कोई नई बात नहीं है। जब भी सामने कोई क्वालिटी स्पिन बॉलर होता है तो विराट स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि विराट के पास स्पिन को काउंटर करने का उतना ऑप्शन नहीं है जितना रोहित के पास है। विराट ना तो स्वीप लगाते हैं और ना ही रिवर्स स्वीप। स्लॉग स्वीप भी विराट की उतनी बड़ी ताकत नहीं मानी जाती है, जिसका नतीजा होता है विराट बहुत सारे डॉट बॉल्स खेल जाते हैं, जो प्रेशर बिल्ड करता है और विराट अपना विकेट फेंक जाते हैं। स्पिन के खिलाफ विराट का डॉट बॉल परसेंटेज लगभग 40 का है, जिसके चलते स्ट्राइक रेट में भी काफी कमी आ जाती है, और विराट के पास स्पिन के खिलाफ वो रिलीज शॉट्स की कमी है। रोहित और सूर्या जैसे खिलाड़ी इसी कारण से स्पिन के खिलाफ काफी कंफर्टेबल दिखाई देते हैं। एक समय था जब भारतीय टीम को स्पिन के सामने सबसे सफल टीम माना जाता था, क्योंकि भारत के पास उस समय सहवाग जैसे खिलाड़ी थे जो स्पिनर्स को बॉलर ही नहीं मानते थे। दोस्तों, क्या आप इन सब बातों से सहमत हैं? क्या आपकी कोई और राय है इसको लेकर कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।